अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर इंग्लिश टॉपिक हमारा था लिटल थिंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास है फोनिक फोकस, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स। हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। हार्ड साउंड ऑफ द लेटर सी, कैट कैंडल, कैरेट क्रैब क्लम्प। हार्ड साउंड जिसमें हम जब पढ़ेंगे तो सी की आवाज़ जो है वो हार्डली आएगी, जैसे कैट कैंडल कैरेट क्रैब क्लम। सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी, सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी, नाइस पेंसिल फैंसी सेंटर सेंट। नाइस पेंसिल फैंसी सेंटर सेंट। यहाँ पे जो सी की आवाज़ है ये सॉफ्ट है, यानी कि बारीक सी आवाज़ आ रही है, नाइस पेंसिल, ठीक है। हार्ड साउंड ऑफ द लेटर जी, जस्ट लाइक सी, ग्रेट गोरिल्ला गिटार ग्लैड गार्बेज। यहाँ पे ये जी की जो आवाज़ आ रही है ये कौन सी आवाज़ है, हार्ड साउंड। कौन सी साउंड है, हार्ड साउंड। सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेटर जी, जिम जिप्सी जिंजर जैम जिराफ। जिम ग्रेट गोरिल्ला जिप्सी गिटार चिंजर ग्लैड चिम जैम गार्बेज जिराफ। तो जब हम इनको रीड आउट करेंगे तो यू ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हार्ड साउंड ऑफ जी एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, जस्ट लाइक हार्ड साउंड ऑफ सी एंड हार्ड साउंड सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। नेक्स्ट है, रीड द गिवन वर्ड्स एंड सॉर्ट देम आउट अकॉर्डिंग टू हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी। हम इन्होंने वर्ड बैंक में बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, कर्ली गैस गम सेंटर सिटीजन जेल जनरल केव कॉमेडी जॉइंट ग्रो सिटी। लेटर सी हार्ड साउंड, कर्ली केव कॉमेडी सॉफ्ट साउंड सेंटर सिटीजन सिटी। कर्ली सेंटर केव सिटीजन कॉमेडी सिटी। हार्ड साउंड सॉफ्ट साउंड लेटर जी, गैस गम ग्रो जेल जॉइंट जनरल। गैस जेल गम जॉइंट ग्रो जनरल। क्लियर, हार्ड साउंड सॉफ्ट साउंड, हार्ड साउंड सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट है वोकैबुलरी फोकस, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। Eternity, infinite, mighty, very large, stray, to lose direction, virtue, a good act, virtue, a good act. Clear है? इसके बाद है page number 4. जी, page number 4 पे है हमारे पास rhyming words. Poem हमने पढ़ी है तो poem जो है वो rhymes में थी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने हमें राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। फाइट नाइट साय हाय फनी सनी। क्लियर, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। डेफिनेशन ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। लिस्ट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम यू हैव रीड। पोइम में हमने पढ़ी थे जो वर्ड्स, उनमें से हमारे पास है सैंड लैंड, अवे स्ट्रे। ये दोनों वर्ड्स जो हमने लिए हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, पोइम में से। उसके बाद है मेक मोर वर्ड्स राइमिंग विच विद ईच गिवन वर्ड एंड यूज एनी टू पेयर इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ पर उन्होंने हमें थ्री वर्ड्स दिए हुए हैं और बॉक्सेस दिए हुए हैं और साथ में कहा है कि यू हैव टू मेक वर्ड्स विद दीज, ठीक है। तो सबसे पहले है गेट वेट लेट मेट, किंग रिंग सिंग ब्रिंग, माइट राइट फाइट लाइट। अब आपने क्या करना है, इनमें से एक एक वर्ड्स का आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ये आज का होमवर्क है और बाकी को आपने बुक के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारा मैंने सॉल्व किया है, ठीक इसी तरह से आपने भी इसको अपने बुक के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है।
ये आज का आपका होमवर्क है, और साथ में आपने इसकी घर से अच्छी तरह से रीडिंग भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।